वेल गाइस, तो फाइनली WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन ओवर हो चुका है और आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर तमा तोंगा के WWE पर शॉकिंग डेब्यू के बाद और जी उसो के ब्लड लाइन से बाहर जाने के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर पॉल लेविन और तमा तोंगा का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर तमा तोंगा बेसिकली बैक स्टेज के ऊपर पॉल लेविन को डराने की कोशिश करते गए और इसके बाद आज यहां पर तमा तोंगा ये कहते गए कि वो यहां पर ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पर WWE के स्मैकडाउन पर जिमी उसो को ब्लड लाइन से बाहर निकाल रहे गए और आज यहां पर शो के ऊपर हमें यहां पर सोलो सकवा और तमा तोंगा दोनों ये टीच करते हुए दिखाई देते गए कि WWE के अंदर कोई नया ट्राइबल चीफ आ चुका है। बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर वुमन चैंपियन बेली हमें देखने को मिलती गए जो टिफनी के साथ उनका सेगमेंट करती गए और इस सेगमेंट के अंदर यहां पर बेली जब उनके ओपन चैलेंज को लेकर बात करती गए तो टिफनी यहां पर बेली को चैलेंज करती गए बट गाइस तभी नायोमी अरीना में आ जाती गए और इसके बाद नायोमी और टिफनी के बीच भी आज यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर जबरदस्त मैच होता है, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर शॉकिंगली मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहां पर टिफनी उनका फिनिशर हिट करने की कोशिश करती गए उसी समय नायोमी काउंटर करते हुए आज यहां पर टिफनी के ऊपर उनका सबमिशन लगा के उनका रोल अप कर देती गए और वो यहां पर इस मैच को जीत जाती गए, जिसके बाद की शो के ऊपर हमें यहां पर आज जेट कारगिल भी एक्शन में देखने को मिली जो रॉ पर यहां पर चेल्सी ग्रीन को बीट करने के बाद आज पाइपर नेविन को फेस करती गए और रॉ की तरह ही आज स्मैकडाउन के ऊपर भी जेट कारगिल इस मैच को कंप्लीटली नॉकआउट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती हैं।